अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खास तौर पे आज की वीडियो है इन्वर्टर्स के हवाले से और सोलर पैनल्स के हवाले से, दोनों की क्विकली तौर पे आपको मैं अपडेट देने लगा हूं। दोस्तों जो सूरत हाल हो रही है, सबसे पहली खबर ये है कि चाइना से पाकिस्तान में 3 से 4 बड़ी कंपनीज लॉन्च होने जा रही हैं, जिनके सोलर जो इन्वर्टर्स हैं वो कहा जा रहा है कि उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम रखी जाएंगी और बहुत ही ज्यादा कंपेरेबल रखी जाएंगी। जो मार्केट में इन्वर्टर चल रहे हैं उनसे वो सस्ते होंगे, लेकिन उनमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी 5W से रिलेटेड या दीगर चीजें जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो मार्केट के इन्वर्टर से ज्यादा होंगे। तो एक तो मुझे आप लोगों से मशवरा चाहिए, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके कमेंट करके बता दें कि हम सोलर इन्वर्टर्स के जो रिव्यूज हैं बकायदा तौर पर, क्योंकि दोस्त कह रहे थे क्या वो शुरू कर दें अब, क्योंकि बहुत से दोस्त रब्ता कर रहे हैं, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो रब्ता कर रही हैं कि सोलर इन्वर्टर के रिव्यू किए जाएं, तो वो रिव्यू क्या मैं शुरू कर दूं उस कमेंट सेक्शन में, तो पहले तो आप ये बता दें। और जो नई कंपनियां आ रही हैं उनकी अभी कीमतें रिवील नहीं हुई, नाम उनके रिवील हो चुके हैं लेकिन वो नाम मैं आपको जल्द आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद के बाद ये कंपनियां मार्केट में होंगी पूरी तौर पे, फुल फ्लैश तौर पे, और ये बहुत अच्छी सोलर इन्वर्टर्स कंपनियां होंगी। नंबर टू क्या हुआ है कि सोलर पैनल्स की जो ताजा तरीन कीमतें हैं वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो सोलर पैनल्स में हुआ है कि मार्केट को एक बड़ा फिर से ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है सोलर माफिया की जानिब से, खास तौर पे जो जिनको का और कैनेडियन का माल है उसको ब्लैक बहुत ज्यादा हद तक किया जा रहा है और उसमें मोनोपोली क्रिएट की जा रही है, बाकी कोई भी कंपनी इनके काबू में नहीं आ रही। जो आज के ताजे तरीन रेट है अगर हम उनकी बात कर लें, जिनको एन टाइप का रेट आज मजीद गिरा है और 43 रुपए पर वॉट पे आ चुके हैं, 570, 75 और 80 वॉट के सोलर पैनल्स हैं ए ग्रेड के, कहीं कहीं अभी भी ये 44 रुपए पर वॉट में ही बिक रहे हैं। जबकि बाइफिशियल की बात कर लें जिनको मैं, ये भी 43-44 रुपए पर वॉट के दरमियान में ही है और कहीं कहीं इसको 45 तक भी लेकर जाया जा रहा है जो कि मार्केट रेट है। अगर आप पैलेट खरीदने जा रहे हैं कंटेनर, वो तो फिर 2-3 रुपए रेट भी कम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हाइमो 6 की बात कर लें, हाइमो 6 का जो आज का रेट है दोस्तों 38 और 39 रुपए पर वॉट के दरमियान में है, और हाइमो 7 की बात कर लें 44 रुपए पर वॉट के दरमियान में, हाइमो X6 की यहाँ पे अगर हम बात कर लें 41 और 42 रुपए पर वॉट के दरमियान में मौजूद है। कैनेडियन टॉप कॉन की कुछ तौर पे अगर मैं बात करूं तो कैनेडियन टॉप कॉन जो है वो इस वक्त सबसे बुलंदतरीन से था और 45 रुपए पर वॉट में मौजूद है, 575-580 वॉट ए ग्रेड का माल, जबकि कैनेडियन में 650, 545, 540, 555 वॉट का जो माल है वो तमाम का तमाम बहुत ज्यादा रेट नीचे है और वो 37 और 37.5 रुपए पर वॉट की कंपनी सतह में इस वक्त मौजूद है मार्केट में। अकॉम 700, 710 और 730 के बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं, 730 वॉट वाले जो प्लेट है दोस्तों वो बिल्कुल अभी भी 50 रुपए पर वॉट से ऊपर ही है और वो कंपनी आउटलेट्स पे ही सिर्फ अवेलेबल है, पर जो पैनल है उसका पर वारंटी कार्ड दिया जाता है और उसकी गेम बिल्कुल चेंज है और दूसरी गेम है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आपसे ट्रीना सोलर की, अभी भी प्री बुकिंग 38 रुपए पर वॉट की कंपनी सतह पर मौजूद है। जो रीना सोलर है 575 और 550 वॉट ए ग्रेड का बाइफिशियल का एन टाइप का, वो 40 और 41 रुपए पर वॉट के दरमियान में मौजूद है। और एस्ट्रो एनर्जी का एन टाइप का बाइफिशियल 575 वॉट की बात कर लें, ये 39 और 39.5 रुपए पर वॉट में आज मौजूद है। और जो आपका मेसन कंपनी है 545 वॉट ए ग्रेड का माल, ये अभी भी 36 रुपए पर वॉट की कंपनी पे मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम दीगर कंपनियों की बात कर लें, जेएम की बात कर लें, जेएम सोलर में 575-565 वॉट ए ग्रेड का जो माल है वो इस वक्त दोस्तों मौजूद है खासतौर पर 39 और 38 रुपए पर वॉट के दरमियान में। तो ये देख लें कि मार्केट 36, 37, 38, 39, 40 में अच्छी से अच्छी सोलर प्लेट अवेलेबल है, इवन हाइमो 6 भी अवेलेबल है। सिर्फ मसला कहां आ रहा है, कैनेडियन का और जिनको एन टाइप का, जिनकी कीमतें 43 और 45 के दरमियान में पहुंचा दी गई हैं, ये भी कम होना चाहिए। और पीर से जो मार्केट के दिन शुरू होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें कुछ सूरत हाल वाजे होगी, कितना किस सोलर पैनल को ब्लैक किया जा रहा है, क्या मामला किए जा रहे हैं। उसके साथ जे की कीमतों में बड़ी इंटरेस्टिंग कीमतें हुई है, जे में जो अगर 580 वॉट एन टाइप का माल है अगर उसकी बात कर लें 16 बस बार के साथ, तो वो जनाबे वाला इस वक्त 39.5 और 39 रुपए पर वॉट की कंपनी सतह में। और जे में 565, 540 और 550 की बात अगर हम कर लें, 550 बाईफिशियल की भी, तो इनकी अगर हम बात कर लें तो ये इस वक्त दोस्तों 37 और 38 रुपए पर वॉट की कम तरीन सतह में जे के सोलर पैनल मौजूद हैं, जो कि मार्केट में बड़े ही जबरदस्त पैनल्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ इम्फेसाइज कर दूं, लोगों को पता नहीं होता, लोग पूछ रहे होते हैं तो मैं बता भी देता हूं, तो जे ए भी अच्छी जा रही है जनाबे वाला। तो ये तमाम के तमाम ताजा तरीन रेट इस वक्त कंपनियों के मौजूद है मार्केट में। सिर्फ मसला कहां पे अड़ा हुआ है अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो सही तौर पर कैनेडियन टॉप कॉन पे और जिनको के एन टाइप के जो वेरियंट है 2, इन पे सिर्फ मसला अड़ा हुआ है, बाकी तो तमाम के तमाम 40 से 40 से नीचे ही देखने में आ रहे हैं और अच्छी
कॉम्पिटेटिव प्राइसेस हैं और उम्मीद करते हैं कि पीर से जो सूरत हाल है मजीद बेहतर होगी और तमाम की तमाम सोलर प्लेटों में कमी आपको देखने में आएगी। और वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट आपसे होती है कि अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर जाएं और सोलर इन्वर्टर के जो नई कंपनियां आ रही हैं जल्द आपको उसके रिव्यूज या अपडेट किस तरह से दिए जाएं वो भी कमेंट सेक्शन में, कुछ सजेशन आपके जहन में हो तो वो भी लाजमी दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।